राजस्थान PTET का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे GK के, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक लिखी है, ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। एक और क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन बी, कूर्ग को। अगला क्वेश्चन है, टिड्डा के कान उसके खालिस्तान पर स्थित होते हैं, तो ऑप्शन डी, पेट पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, मैंगलोर की संधि पर विट्रिस ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, तो ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान के बीच किए गए थे, टीपू सुल्तान के बीच। अगला है, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी खालिस्तान त्यौहार के विभिन्न नाम हैं, तो ऑप्शन डी, मकर संक्रांति। भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था, तो क्या कहा गया था? ऑप्शन बी, चंद्रयान फर्स्ट। बैंकिंग के संदर्भ में ADF का पूर्ण रूप जो है वो खालिस्तान क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो कह सकते हैं। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एमाइलेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल खालिस्तान थे, तो क्या थे? ऑप्शन डी, फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे। किस भारतीय ने परिधान डिज़ाइन या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन सी, भानु अथैया। अगला है, B.R. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले खालिस्तान मंत्री थे, तो कौन से मंत्री थे? ऑप्शन सी, ला मिनिस्टर या कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो खालिस्तान पुरुषों को साका या सक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजपूत। अगला है, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः खालिस्तान से बना होता है, तो ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। किसे बिहार का दुख या बिहार का शोक सारोवा बिहार कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, कोसी नदी को। अगला, एक बैटरी खालिस्तान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को। नेक्स्ट है, खालिस्तान आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय जो खेल है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी, तो 1992। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे, तो ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद।
नेक्स्ट, खालिस्तान शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? तो ऑप्शन बी चंदेल। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या है? तो वो हो जाएगी गाइस आपकी ऑप्शन ए टेस्ला। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो सचिन तेंदुलकर। पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में खालिस्तान की स्थापना की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कन्नौज की लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन डी 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगला है लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन सी मिजोरम में। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बाष्पीकरण कहा जाता है, बाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तुकारोई की लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन डी 1575 में लड़ी गई थी। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला है संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ऑप्शन सी स्पीकर लेता है, स्पीकर या कह सकते हैं अध्यक्ष। अगला है रेखुक खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो नागालैंड, नागालैंड। अगला है जब स्थानापत्र उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए बाहर की ओर खिसकेगी। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? तो ऑप्शन बी गुजरात। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु खालिस्तान है तो कौन सा है? ऑप्शन बी किबिथू, किबिथू। क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रा को माना जाता है, हाइड्रा, हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हंटर, हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन बी क्रिकेट में। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टी गटन हाल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। G7 AI समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन सा है? तो अमेरिका।
हाल ही में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन बी 10,000 रुपये। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार को। MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन बी 1 करोड़। एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइस जीतने वाली लेखिका हैं? तो कृतिका पांडे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो हरियाणा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।